में जयपुर से बड़ी खबर है। आयकर विभाग की एक और जंबो तबादला सूची जारी हुई है। अतिरिक्त संयुक्त आयकर आयुक्त स्तर के 295 IRS के तबादले हुए हैं। 4 अधिकारियों को पदोन्नति के बाद मिली है नई जिम्मेदारी। 173 अधिकारियों की सीटें बदलेगी। आपको बताएं कि 118 अधिकारियों का रीजन बदला है। राजस्थान पर भी तबादला सूची का बड़ा असर है। राजस्थान में कार्यरत IRS अधिकारी मोनिका ममता मीना और सोनिया महाजन की सीट बदलेगी। राजस्थान में कार्यरत IRS अधिकारी निधि नैयर का दिल्ली, राकेश के मीना का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, डॉक्टर वेंकटेशा वी का कर्नाटक और गोवा, MP सिंह का मुंबई, राजीव मोहन का उत्तर प्रदेश पश्चिम रीजन में तबादला हुआ है। तो वहीं IRS अधिकारी फणीश्वर की दिल्ली से राजस्थान में वापसी हुई है। शुक्रवार देर रात जारी किए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तबादला आदेश पर है CBDT के निदेशक विजय राजमोहन के हस्ताक्षर। फर्स्ट इंडिया के पास है 24 पेज के आदेश की प्रति। वो प्रति हम आपको दिखा रहे हैं। सभी अधिकारियों को संभाल ली है 12 जुलाई तक नई जिम्मेदारी। अधिकारियों के तबादले पर आपत्तियों की होगी नई जिम्मेदारी। संभालने के बाद सुनवाई। तो देखिए आदेश की प्रति भी फर्स्ट इंडिया के पास है। 24 पेज के आदेश की ये प्रति है और सभी अधिकारियों को 12 जुलाई तक नई जिम्मेदारी संभालनी है। और जरा समझते हैं इस पूरी सूची को। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल जी, ये जो क्योंकि आदेश की जो प्रति है वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है, लेकिन इस सूची के बारे में बताइएगा क्या रहा है, सूची में किस तरीके से तबादले हुए हैं। जी, आयकर विभाग के अंदर हर साल एक तबादला सूची आती है जिसे वार्षिक तबादला सूची कहा जाता है। इस वार्षिक तबादला सूची में जो अधिकारियों के नाम होते हैं उसमें वो लोग शामिल होते हैं जिनको या तो पूरे साल के अंदर पदोन्नति मिली है या फिर उनका ट्रांसफर ड्यू है जी। आज शुक्रवार देर रात जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसने जो तीन तबादला सूची जारी की थी जी। जो हमने फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाई है, जिसके अंदर तीन जो सूचियां जारी हुई थी उसमें 10 उच्च स्तर के आयकर अधिकारी थे, जिसमें राजस्थान के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का भी तबादला उस सूची में लिखा हुआ है। इसके अलावा 295 जो अधिकारी है, जिसकी आप 24 पेज की जिस सूची की आप बात कर रहे हैं, ये जो अधिकारी है ये अतिरिक्त आयकर आयुक्त और संयुक्त आयकर आयुक्त स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा 145 आयकर अधिकारी ऐसे हैं जो उपायुक्त और सहायक आयुक्त स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास ये तीनों सूचियां उपलब्ध हो गई है और इन तीनों ही सूचियों को हमने अधिकारियों अपने दर्शकों को दिखाया है। इस तबादला सूची के अंदर जिन लोगों के नाम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा नाम है वो तो राज टंडन साहब का है, जो राजस्थान के अंदर डीजी महानिदेशक आयकर अन्वेषण के पद के ऊपर उनकी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद डीजी के पद पर ही उनको प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पद का प्रमोशन मिला। और इसके अलावा राजस्थान का चार्ज भी अभी वर्तमान में PCCIT का राज टंडन साहब के पास ही था जी। अब राज टंडन साहब का चूंकि तबादला हो गया, अतः ये माना जा रहा है कि अब जब भी नई सूची आएगी उसके अंदर राजस्थान को आयकर विभाग में महानिदेशक अन्वेषण पद पर नए अधिकारी की नियुक्ति होगी। आयकर विभाग में जो महानिदेशक अन्वेषण शाखा है वह शाखा है जो आयकर विभाग की ओर से छापेमारी और सर्वे की कार्रवाइयां करती है। अर्थात आयकर विभाग के जो नख और दांत हैं वो महानिदेशक आयकर अन्वेषण के पास में होते हैं जी। आप बिल्कुल विमल जी, एक बात और, ये जिस तरीके से तबादला हुआ है तो क्या ये रूटीन है या फिर इसमें कोई और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिनको पदोन्नति दी गई है, कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिनकी आप सीट बदलेगी और कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका रीजन बदला गया है। आपने दीपिका जी, ये जो तबादला सूची है ये एक वार्षिक एक्सरसाइज है आयकर विभाग के अंदर। आयकर विभाग में एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक सीट के ऊपर अधिकारी को ज्यादा समय तक नहीं बैठाए रखा जाता है और उसको उसकी सीट से चेंज किया जाता है। इसी तरह से एक प्रक्रिया ये होती है कि जैसे रीजन जो होते हैं, जैसे राजस्थान एक पूरा रीजन है, राजस्थान रीजन के अंदर जैसे कोई आदमी आयकर अधिकारी अगर जयपुर में कार्यरत है तो हो सकता है उसको जिस सीट के ऊपर वो कार्यरत है उस सीट को बदला जाए, या वो राजस्थान रीजन में रहे लेकिन जयपुर की जगह उदयपुर या जोधपुर ट्रांसफर कर दिया जाए। ये एक सतत प्रक्रिया है जो हर साल होती है।
इसके अलावा जिन अधिकारियों का नाम इस तबादला सूची में, उसमें से कुछ अधिकारियों के नाम ऐसे भी हैं जिनको 2025 अर्थात अगले साल जो तबादला सूची आएगी उस तबादला सूची तक उस पर्टिकुलर सीट के ऊपर नहीं छेड़ा जाएगा। इसका कारण ये है कि उस सीट के ऊपर वो अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं वो बेहद जिम्मेदारी का काम हो सकता है और समयबद्धता के कारण से उसके उस अधिकारी को ट्रांसफर ड्यू होने के बावजूद भी वहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया। और राजस्थान पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट दिखाई देगा? देखिए राजस्थान पर असर की बात करें तो सबसे बड़ा असर तो यही है जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जिनके पास में राजस्थान भर के रीजन की जिम्मेदारी होती है उनका खुद का तबादला हो गया, उनकी जगह दूसरे अधिकारी आ गए हैं। इसके अलावा जो एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के पद हैं उन पदों के ऊपर भी एक लंबी फहरिस्त है जिसके अंदर अधिकारियों के तबादले किए गए। इसके अलावा जो सहायक आयुक्त और उपायुक्त स्तर के जो अधिकारी हैं उसमें भी कुछ अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। राजस्थान से जाने वाले तो हालांकि 3 अधिकारियों के नाम नजर आ रहे हैं लेकिन राजस्थान में जो लोग अधिकारी आ रहे हैं उसकी सूची थोड़ी सी लंबी है, अर्थात राजस्थान को 5 अधिकारी मिलेंगे और 3 अधिकारी यहाँ से जाएंगे। ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिये ये 24 पेज के आदेश की प्रति है और विस्तार से आपको समझाया भी एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी ने कि राजस्थान पर इसका क्या असर पड़ेगा, आखिर क्यों ये तबादले हुए हैं, कई अधिकारी हैं जिनको पदोन्नति मिली है, कई के रीजन बदले गए हैं, कई की सीट भी बदलेगी और बेहद महत्वपूर्ण ये सूची है ये आपके सामने।